हजार फैशन वीडियोस देख लिया आपने लेकिन आपकी आउटफिट्स अभी भी बोरिंग है, या फिर आपने बेसिक तो सारे क्लोथ्स पहनने सीख लिए लेकिन अभी भी आप कूल नहीं दिखते, डोंट वरी ब्रो, ये वीडियो आपके लिए। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सैन कालरा एंड आज के वीडियो में आई विल टेल यू 10 फैशन ट्रिक्स जिससे कि आप अपनी आउटफिट्स को एकदम सेक्सी बना सकते हो। सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनना क्योंकि ये साथ में मिलके ही आपको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। एंड इफ यू वांट टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी, अभी सब्सक्राइब करो फॉर 2 न्यू वीडियोस एवरी वीक। सबसे पहला ट्रिक है मेरा फेवरेट, ऑल ब्लैक पहनना। ऑल ब्लैक पहन के ना आप एकदम मिस्टीरियस से दिखते हो कि भाई किसी को नहीं पता कि क्या सोच रहा है बंदा। एंड ऑल ब्लैक पहनने के लिए आपको कलर मैचिंग की नॉलेज तो नहीं चाहिए क्योंकि कलर ही नहीं है, और ऑल ब्लैक में ना आपकी जो बॉडी की शेप है वो भी एकदम स्ट्रीमलाइन दिखती है। तो ऑल ब्लैक आपको हमेशा कॉन्फिडेंस से भर देगी फ्री में, क्योंकि ना आपको सोचना है कि आपकी बॉडी कैसी दिख रही है, ना आपको सोचना है कि क्या कलर्स पहनूं क्या ना पहनूं। तो अगर आप मस्कुलर हो तो आप एक फिटेड ऑल ब्लैक आउटफिट पहन सकते हो, नहीं तो अगर आप स्किनी या फैट हो या वैसे भी, आपको मेरे हिसाब से ओवरसाइज ट्राई करना चाहिए। एंड वैसे ऑल ब्लैक आउटफिट्स के बारे में आप काफी पूछते रहते हो कमेंट्स में, तो अगर 2000 लाइक्स हो जाएंगे इस वीडियो पे तो डेफिनेटली मैं एक अलग से वीडियो निकाल दूंगा ऑल ब्लैक आउटफिट्स पे। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट आपके स्टाइल गेम को लेवल अप करने के लिए, एंड वो है कि यार ट्रेंड्स जो है उनको एक्सेप्ट करो। मुझे पता है कि काफी यूट्यूबर्स ने आपके दिमाग में ठूस दिया है कि स्लिम फिट ही पहन सकते हो आप। प्लीज अपने दिमाग को एक्सपैंड करो, किसी इंसान को बिना दिमाग के फॉलो करना छोड़ दो। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको न्यू स्टाइल्स, न्यू ट्रेंड्स ट्राई करते रहने चाहिए, जैसे कि अभी ओवरसाइज्ड वाला चल रहा है फैशन। यार हमेशा कपड़ों का ये सीन नहीं होता कि यार इसमें आर्म्स अच्छी लगेंगी, इसमें बड़ी लगेंगी, फोल्ड करके रख लो तो वो बेस्ट है, ऐसा नहीं है। ओवरसाइज ट्राई करके देखो, आपको खुद बहुत स्टाइलिश लगेगा। न्यू स्टाइल्स पहन के ना आपकी लाइफ में मसाला ऐड होता है, स्पाइस ऐड होता है, जो कि आपको वो एकदम फिटेड वाली व्हाइट मरून नेवी टी शर्ट पहन के नहीं मिलेगी खुशी। और जब आप ट्रेंड्स पहनते हो तो वो लोगों को ये भी बताता है कि ये बंदा कूल है, स्टाइलिश है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम से पूरे ओवरसाइज ट्रेंड में घुस जाओ, आप स्लोली करो, धीरे धीरे करो, जैसे कि पहले सिर्फ एक ओवरसाइज टी शर्ट पहनना शुरू करो। मैंने अपने बजट स्ट्रीट स्टाइल आउटफिट्स वाले वीडियो में आपको बेसिक बताया था कि आप स्टार्टिंग से कैसे स्ट्रीट स्टाइल शुरू कर सकते हो, तो वो जरूर देख लेना। और थोड़ी अगर आपको और इंस्पिरेशन चाहिए स्लिम फिट छोड़ के स्ट्रीट स्टाइल पे आने की, तो डेफिनेटली मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी एक थ्रो अवे सीरीज करके चल रही है, वो जरूर देखना। नेक्स्ट ट्रिक है टू एक्सेसराइज विद सिल्वर कलर। यार हमें पता ही है कि एक्सेसरीज जैसे कि घड़ी, ब्रेसलेट, रिंग वगैरह, ये सब आपकी आउटफिट में बिल्कुल मसाला ऐड कर देती है और आपकी आउटफिट के गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है, नहीं तो ना आउटफिट बहुत फीकी लगती है। लेकिन एक्सेसरीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल तो है। सबसे आसान चीज क्या है, सिल्वर कलर की एक्सेसरीज पहनो, चाहे वो स्टेनलेस स्टील की बनी हो चाहे वो सिल्वर की बनी हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिल्वर कलर की एक्सेसरीज हर आउटफिट पे अच्छी लगती है, एज लॉन्ग एज उसमें कोई और कलर नहीं है तो वो बहुत वर्सेटाइल होती है। सबसे आसान रूल सिल्वर एक्सेसरीज का ये है कि वन ऑफ ईच, मतलब कि एक रिंग पहनो, एक ब्रेसलेट पहनो, एक घड़ी पहनो, एक नेक चेन पहनो, बस सिल्वर कलर की हर टाइप की एक चीज पहनो। सबसे आसान कॉम्बिनेशन है, आपके पैसे भी बचेंगे, आप सुपर्ब भी लगोगे, बहुत हॉट लगोगे, 100% कह रहा हूं। अगर आपको एक्सेसरीज के बारे में और जानना है तो आप मेरा एक्सेसरीज वाला वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। फोर्थ ट्रिक है बहुत बढ़िया वाली, स्पेक्स या फिर सनग्लासेस पहनो। अब क्यों पहने, क्योंकि सनग्लासेस या स्पेक्टिकल्स पहनने से आपके फेस पे आती है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब कि दोनों साइड से सेम होना, मतलब कि आपका फेस एकदम बैलेंस्ड दिखेगा। एंड सनग्लासेस पहनने से आप थोड़े से मिस्टीरियस तो दिखते ही हो क्योंकि आपकी आईज हाइड हो जाती हैं। एंड स्पेक्टिकल्स पहनने से आप एकदम मैच्योर एंड स्मार्ट दिखते हो। आपको सिर्फ सही बजट में रहते हुए 1000-1500 के करीब लगा के एक या मैक्सिमम दो पेयर खरीदने हैं। एंड अगर आपको जानना है कि कौन से खरीदने चाहिए तो मेरी सनग्लासेस एंड स्पेक्टिकल्स वाली वीडियो जाके देख सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लीज बस करो गंदी क्वालिटी के बेसिक्स खरीदना, एंड वार्डरोब की साइंस को समझो। द ओनली वे टू लुक गुड पैसे बचाते हुए है कि आप इन्वेस्ट करो अच्छी क्वालिटी के बेसिक कपड़ों में, एंड फिर उसके ऊपर जब ट्रेंड्स लो तो वो सस्ते लो। अगर आप अच्छी क्वालिटी के बेसिक्स लोगे थोड़े से पैसे लगा के, तो वो आपको लंबा टाइम भी चलेंगे, तो आपकी सरदर्दी जाएगी वापस लेने की। एंड क्योंकि वो बेसिक्स हैं तो वो वर्सेटाइल हैं, मतलब कि उनके साथ आप अलग अलग आउटफिट्स बना सकते हो बिना ट्रेंड का सोचे। फिर बेसिक्स के बाद आप कुछ ट्रेंड सोचो जो आपको अपने आप के ऊपर ट्राई करने, एंड उसमें पैसे लगाओ, एंड वो आप हमेशा चीप वाले खरीदो, बजट वाले खरीदो। जैसे मैं अपने चैनल पर बताता हूं, आप मेरी वार्डरोब एसेंशियल्स वाली सीरीज देख सकते हो चैनल पे, जिसमें मैंने अच्छी क्वालिटी के बेसिक्स बताए हुए, वो भी बजट में। जैसे मिनिमलिस्ट या कैप्सूल वार्डरोब पे अलग से वीडियो बनाऊं क्या, मेरे को कमेंट में बता दो। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपना शू गेम को स्विच अप करो। मैक्सिमम मैं जो देखता हूं हर लड़के ने पहने होते हैं वो स्लिम वाले स्नीकर्स। यार अपने स्टाइल को एक्सपैंड करो, या तो आप चेल्सी बूट्स पहन लो, या तो आप चंकी स्नीकर्स पहन लो, या फिर आप लोफर्स पहन लो, इसमें से कोई एक चीज लेके न्यू स्टाइल ट्राई करो। ये ना ही सिर्फ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं स्लिम स्नीकर्स से, बट कूल भी दिखते हैं। इन सब पे मैंने वीडियोस अलग से बनाए हुए हैं, उनके भी मैं लिंक्स नीचे डाल दूंगा, जाके जरूर देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने क्लोथ्स को टेलर करवाओ मेरे भाई। जब भी आप कुछ भी स्लिम फिट पहनते हो, अब देखो हर जगह तो आप कुछ ट्रेंडी नहीं पहनोगे, स्लिम फिट बहुत जगह पहनना होता है,
लेकिन जब भी आप पहनते हो तो वो एकदम आपकी बॉडी के हिसाब से सही फिटेड होना चाहिए। कंपनीज कपड़े बनाती हैं मैनेक्विन पे अच्छे दिखाने के लिए। मैनेक्विन मतलब जो शॉप्स में एक ऐसा स्टैचू सा खड़ा होता है, आपकी बॉडी वैसी नहीं है, तो आपको वो कपड़े लेने के बाद अपनी बॉडी के हिसाब से टेलर करवाने चाहिए। यार अपने लोकल मार्केट के टेलर को अगर आप 50 रुपए देके अपनी ट्राउजर्स या अपनी शर्ट को एकदम टेलर करवा लोगे तो आप 10 गुना बेटर देखोगे, मेरी बात मानो। जब आप ऐसी आउटफिट्स पहनते हो जो कि आपकी बॉडी से एकदम सही फिट होती है, आपकी बॉडी के हिसाब से फिट होती है, तो देखने वाले को लगता है कि इसने बहुत पैसा खर्च किया अपने कपड़ों में। तो अगर आपको शर्ट्स या चीनोस को कैसे टेलर करवाते हैं वो देखना है तो मेरी वार्डरोब एसेंशियल्स वाली सीरीज में मैंने ये बताया हुआ था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट ट्रिक है, मेरी फेवरेट, बहुत बढ़िया ट्रिक है, अपनी सॉक्स को यूज करो अपनी आउटफिट को एनहांस करने के लिए। बेसिकली फुल लेंथ वाली सॉक्स पहनो एंड उनका कलर मैच करो अपने आउटफिट के किसी पीस से। ये आपका स्टाइल गेम ऊपर लेके जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि यार इसने दिमाग लगाया ये सोचने में कि ये कलर मैच करना है। एंड अगर आपकी आउटफिट थोड़ी सी बेसिक है तो आप अपनी सॉक्स ग्राफिक सॉक्स पहन सकते हो। बस याद रखना कि आपके आउटफिट के कलर थीम से मैच होनी चाहिए, जैसे कि मेरी ये मादरा वाली ग्राफिक सॉक्स है। आपको सॉक्स पे और डिटेल्स चाहिए तो मेरी एक्सेसरीज वाली वीडियो में मैंने काफी बताई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट बहुत बढ़िया ट्रिक है कि अपने स्नीकर्स को बेसिक तरीके से लेसिंग मत करो। वैसे मैं कहूंगा एक्चुअली लेस ही मत करो यार। अलग अलग तरीके की लेसिंग्स होती हैं स्नीकर्स के ऊपर, आप उनमें से कोई न्यू ट्राई करो, बहुत कूल लगती हैं स्नीकर्स पे। मैं तो कहूंगा कि अगर आप रनिंग नहीं कर रहे तो अपने शूज के लेसेस को खुले रखो, स्पेशली अगर चंकी शूज हैं तो ये बहुत कूल और स्टाइलिश दिखता है। एंड जो स्ट्रीट वेयर वाले लोग हैं ना, स्ट्रीट वेयर वाली जो पूरी कम्युनिटी है वो बहुत सालों से ये करती आ रही है। लास्ट ट्रिक है कि अपने फैब्रिक्स को स्विच अप करो, मतलब नए नए टाइप के फैब्रिक्स ट्राई करो, जैसे कि बैम्बू, सुपीमा या फिर पॉलिएस्टर, टेरी, पीक। यार सब लोग कॉटन ही पहनते हैं, वो सब सेम ही दिखते हैं इसलिए, लेकिन अगर आप न्यू फैब्रिक्स पहनोगे जैसे कि पीक वाली पोलो पहनोगे तो आप थोड़े से और ज्यादा प्रीमियम दिखोगे। और ना अलग टाइप के फैब्रिक्स अलग टाइप की फील देते हैं, जैसे कि अगर आप टेरी मटेरियल पहनते हो तो उसमें आप बहुत कूल स्ट्रीट स्टाइल वाइब दे सकते हो। तो अगर आप अलग फैब्रिक से कपड़े पहनते हो ना तो लोग आपको थोड़ा सा हाई क्लास भी मानते हैं। मैं कुछ अच्छी अलग अलग फैब्रिक्स वाली टी शर्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 5000 लाइक्स कंप्लीट होने पे मैं गिव अवे करूंगा 2000 रुपीज का एक शॉपिंग वाउचर सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स को। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो ये वीडियो एंड कमेंट में मेरे को बताओ कि आपको स्लिम फिट्स पसंद है या फिर बैगी फिट्स पसंद है। एंड दैट इज इट। तो गिव अवे के लिए ऑल द बेस्ट, लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।